बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़े के डिलीशियस से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसानी से फटाफट हो जाएगा ये पुलाव तैयार। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रेसिपी को। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल बटन को, ताकि आप इन्जॉय करते रहें मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोज़। जी, तो सबसे पहले नोट कर लें, मैंने लिए हैं जी 1/2 kg राइस। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया है। इनको 1/2 आवर के लिए मैं भिगोऊंगी। और अब आ जाएँ वेजिटेबल्स की तरफ। जी, तो मैंने एक ली है मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, और 250 ग्राम्स मैंने लिए हैं मटर। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और 250 ग्राम्स मैंने लिए हैं गाजर। इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक डिफरेंट शेप में कट कर दिया है। ये देखिए, छोटी सी शेप भी है और लंबी शेप भी है इनकी। और 150 ग्राम मैंने ली है बंद गोभी, और 2 अदद मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। 1 मीडियम साइज़ का मैंने कट कर लिया है प्याज, और 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटो कट कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है ऑयल का। जी, तो अब आ जाएँ स्पाइसिस की तरफ। स्पाइसिस में मैंने ली हैं जी 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, और 2 स्पून लिए हैं टेबलस्पून मैंने लिए हैं सॉल्ट के, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ड्राई करियंडर सूखा धनिया, और 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही मैंने लिया है कुछ ज़ीरा, 1 ली है मैंने इलायची और थोड़ी सी मैंने ली हैं लौंग, कुछ काली मिर्चें हैं इसके साथ, और अचार का मसाला जो कि मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इससे जो आपके राइस का टेस्ट होगा वेजिटेबल पुलाव का, बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और इसके बाद मैंने लिया है जी 2 स्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम ऐड करेंगे कढ़ाई में ऑयल, जो कि लिए हैं मैंने 2 बड़े चम्मच चावलों वाले सालन वाले सॉरी जो कि मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच सालन वाले। और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जिन व्यूअर्स जो हमारे प्याज हैं हल्के से ब्राउन हो गए हैं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। व्यूअर्स, अगर आपको चावलों का डार्क कलर पसंद है तो आप जो प्याज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर दें। मुझे डार्क कलर नहीं पसंद, इसलिए मैं जो हमेशा चावलों के प्याज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती। जी, तो हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो फ्राई हो गया है 1 मिनट। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं टमाटो, 1 जो मैंने बड़ा सा कट किया था। इसके साथ ही थोड़ा सा इसको मैं पानी लगा दूँगी, ताकि हमारा जो टमाटर है मेरा वो इसमें ऑयल में फ्राई होकर सख्त ना हो जाए। जी, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सारे स्पाइसी जो मैंने आपको अभी बताए हैं। और अब इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अचार का मसाला। इसको भी मिक्स कर दूंगी। अब इस मसाले को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि जो ये टमाटोज हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। जी, तो बस मसाला मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटर और गाजर। इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, जब ये थोड़े गल जाएंगे। इसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी जल्दी गल जाते हैं, इसलिए ये मैं साथ ही ऐड नहीं करूँगी। फिर जो चावलों का कलर होता है, इसकी खूबसूरती होती है, वो नहीं रहती अगर ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स हो जाए। जी, तो अब इसमें मैंने ऐड की है मटर और गाजर। इनको 1 से 2 मिनट पकने देंगे। जी व्यूअर्स, गाजर और मटर को मैंने पका लिया है 2 से 3 मिनट। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, इसको भी तकरीबन 1 मिनट पकाऊंगी शिमला मिर्च को भी। और इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी पानी। जी व्यूअर्स, शिमला मिर्च जो है वो भी 1 मिनट पक गई है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। मेरे ये 2 गिलास चावल थे, 1/2 kg के ये 2 गिलास बने थे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 गिलास, 1 गिलास मैं कम रखूँगी, क्योंकि जो चावल हैं वो मैंने बहुत पहले के भिगो के रखे हुए थे। अब इसको कवर कर दूंगी और पानी को पकने दूंगी। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे राइस। जी व्यूअर्स, पानी में बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं राइस ऐड कर दूंगी।
इसको मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ढांप देंगे, कवर कर देंगे इसको। इसको आप कवर कर देंगे ताकि थोड़ा पानी ड्राई हो जाए, चावल गल जाए। ये भी बस पानी थोड़ा सा हो गया है ड्राई। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बंद गोभी। अच्छे तरीके से हिला के इसको मिक्स कर दूंगी और इसके साथ एक नई चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी, पुदीने के कुछ पत्ते। इससे जो चावलों की खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करी मसाला जो मैंने आपको बताया था। इसको मज़ीद कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए ताकि चावल अच्छे तरीके से गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। जी व्यूअर्स, पानी हो गया ड्राई। अब इसको दम पे लगा दूंगी मैं, थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। अब इसके नीचे तवा रखूंगी और इसको 3-4 से 5 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। जी मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है। अब इसको कवर कर दिया है मैंने और फ्लेम को मैंने बिल्कुल कर दिया है मीडियम। अब इसको 4 से 5 मिनट दम पे लगाऊंगी और इसके बाद ट्राई देखते हैं कि हमारे राइस कैसे बने हैं। जी व्यूअर्स, 5 मिनट्स आर ओवर, लेट्स सी कि हमारे राइस कैसे बने हैं। इसमें मैं रहमान रही माशाल्लाह। इनको थोड़ा मिक्स कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े के हमारे वेजिटेबल पुलाव हो गया है रेडी। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी वेजिटेबल पुलाव की व्यूअर्स, आप अभी जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक आपको जरूर दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।